नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक की द्वितीय सूची की जो ज्वाइनिंग लेटर है आप सभी को मिल चुका है, लेकिन शायद आपको पता होगा कि आप में से ऐसे कई सारे साथी हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। उनको स्पष्ट तौर पर कॉल करके ये बोल दिया गया कि अभी आप ज्वाइनिंग के लिए मत आइए, हम आपको बाद में बुलाएंगे। आखिर कुछ साथियों के ज्वाइनिंग पर क्यों रोक लगा दी गई? सहायक शिक्षक की दूसरी सूची के इन साथियों का ज्वाइनिंग क्यों रोक दिया गया है? स्कूल अलाटमेंट होने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग देने से रोक दिया गया है। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरा माजरा, हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि साथियों आप सभी जान रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर जब द्वितीय सूची वाले साथियों को मिली उसके ठीक एक दिन पहले सभी साथियों के पास टेक्स्ट मैसेज या कॉल के माध्यम से सूचना दी गई थी कि उनको ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाना है। इसी बीच आप ही में से कोई ऐसे साथी, कई सारे साथी हैं जिनको ये कॉल आया था कि आप इस तारीख को ना आएँ, आपको बाद में ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो अनारक्षित में ये चीज़ें हुई है, ये घटना घटित हुई है। अनारक्षित में सभी का वेरिफिकेशन हो चुका है और स्कूल अलाटमेंट भी हो चुका है, किंतु ज्वाइनिंग पर रोक है। अनारक्षित वाले साथी हैं जिनका स्कूल अलाटमेंट तो हो चुका है लेकिन उसको ज्वाइनिंग लेटर देने से रोक दिया गया है। फ़ोन करके ऐसे साथियों को ज्वाइनिंग लेटर ना आने हेतु फ़ोन किया गया था। आखिरकार क्यों रोका गया है इनका ज्वाइनिंग लेटर? तो प्राप्त जानकारी के अनुसार अनारक्षित कैटेगरी में आरक्षण रोस्टर ठीक से पालन न होने की वजह से रोका गया ज्वाइनिंग। अर्थात आरक्षण रोस्टर में थोड़ी सी समस्या आ गई, अर्थात आरक्षण रोस्टर जो काउंटिंग है उसमें विभाग द्वारा थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है और यही वजह है कि कुछ ज़्यादा साथियों को बुलाया जा चुका होगा या जैसा भी है, लेकिन प्रमुख वजह मानी जा रही है आरक्षण रोस्टर का ठीक तरीके से न हो पाना, जिसके वजह ज्वाइनिंग रोक दिया गया है। ऐसे में जितने भी कहना चाहिए चयनित साथी हैं जो जिसका स्कूल अलाटमेंट हो चुका है, वे साथी अब काफ़ी ज़्यादा निराश चल रहे हैं। ये लोग क्या प्रयास कर रहे हैं साथियों? यदि मैं इनके समाधान की बात करूं तो शासन प्रशासन तक अपने मांगों को प्रमुखता से पहुंचाया जाना ये जरूरी है इन साथियों के लिए, चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो या संगठन के लेटर पेड के माध्यम से। संगठन के प्रमुखों को भी आप संपर्क कीजिए ऐसे साथी, और संगठन के माध्यम से, लेटर पेड के माध्यम से आप विभाग तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। दूसरी बात यह है, जब द्वितीय सूची ज्वाइनिंग होगी उसके बाद कितने पद रिक्त बचता है उसके आधार पर, तृतीय सूची में रिक्तता के आधार पर फिर इन सभी साथियों को वेरिफिकेशन होगा। तो अभी जो दूसरे वाले साथी है जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, वो द्वितीय सूची में ज्वाइनिंग उनको उस दौरान जब रिक्त पद आएंगी तो इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसमें दो मत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितने भी साथी हैं सबकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी, आराम से हो जाएंगी, इस पर कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन इस हेतु साथियों द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? जो साथी ज्वाइनिंग नहीं पाए हैं, ज्वाइनिंग लेटर जिनको नहीं मिला है, तो उन साथियों के द्वारा किया गया जो प्रयास है वो न्यूज चैनल, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं को विभाग तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए विभिन्न यूट्यूब चैनलों, कोचिंग क्लास से भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनके माध्यम से बातों को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाया जाए और इनको न्याय मिल सके। हालांकि इनकी ज्वाइनिंग तो होगी लेकिन जिस तरह से आरक्षण रोस्टर सही तरीके से न बनने की वजह से ऐसे साथियों को खामियाजा इसका झेलना पड़ रहा है, और पात्र होते हुए भी इन साथियों को नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया जाना एक प्रकार का बहुत बड़ा कहना चाहिए एक असंतोष की स्थिति है, दर्द की स्थिति है जिससे ये सभी साथी गुजर रहे हैं। फिलहाल प्रमुख वजह यही है कि आरक्षण रोस्टर ठीक से न होने की वजह से, ठीक से पालन न होने की वजह से इन साथियों के ज्वाइनिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया है। बहरहाल इस पर शासन प्रशासन को जल्द निर्णय लेना होगा और इन साथियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देना चाहिए, ताकि ये भी अपनी मेहनत को सफल मान करके अपने जिस स्तर पर, जिस जगह पर इनको पदस्थापना मिला है वो अपने कार्य का निर्वहन कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।